बहुत सी व्यवस्थाएं की। केरल के साइलेंट वैली से आने वाली रेगिस्तान में तूफानों को रोकने के लिए सालिम अली ने उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वे चौधरी साहब से कहा, गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। इससे स्पष्ट होता है कि सालिम अली पक्षियों को बड़ी ही नज़दीकी से जानते थे। जितना सालिम अली पक्षियों के बारे में जानते थे, उतना शायद ही कोई जान पाता। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? लेखक कहते हैं कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति उन्हें प्रकृति प्रदत्त मानी थी। अपने प्रभाव में लाने वाले वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत मदद की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी चरण सिंह के द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर वे भावुक हो उठे। लेखक कहते हैं कि वे दोनों ही दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो प्रकृति के अर्थात पक्षियों के लिए जो किया, वास्तव में वह एक अनूठा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती थी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है।